नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल वॉइस तक जाब इन्फो में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये वो कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देने के लिए ITI कॉलेज गए थे और पास भी हो गए थे। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फेल कर दिया गया है। मैं आगे लिस्ट भी दिखाऊंगा इन लोगों का जो जो फेल हुए हैं। फेल होने वाले कैंडिडेट में भारत के लगभग सभी राज्यों से हैं जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया था और वो पास हो गए थे। इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा अन्य राज्य के भी कुछ लोग हैं। तो आइए रिजेक्शन लिस्ट के तरफ लेकर आपको चलते हैं। तो ये आ गया है लिस्ट, फर्स्ट राउंड का रिजेक्शन कैंडिडेट लिस्ट। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जिस कैंडिडेट को भी अपना नाम ढूंढने में दिक्कत आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगे, मैं उनको लिस्ट में नाम ढूंढ करके बताऊंगा किनका किनका रिजेक्ट हुआ है। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड इजराइल वर्कर रिजेक्शन लिस्ट जो कि NSDC और PIVA से जारी किया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जगहों के कैंडिडेट शामिल हैं। इस लिस्ट में आप लोग दाहिने तरफ देख सकते हैं, इसमें स्टेटस बताया गया है कि रिजेक्शन का कारण जैसे क्या है, तो डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, इन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया था, या फिर डॉक्यूमेंट जमा भी किया था तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बाकी रह गया था जो टाइम से नहीं जमा कर पाया था इन लोगों ने, या फिर किसी ने अपना पूरा डॉक्यूमेंट जमा भी कर दिया है तो डॉक्यूमेंट जांच करने के टाइम में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपना पैसा टाइम से नहीं जमा किया है, इसके कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये आप देख रहे थे फर्स्ट राउंड के जो इंटरव्यू में वर्कर पास हो गए थे उनका यह रिजेक्शन लिस्ट आया है। जो पास हुए थे उसमें भी रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी न किसी कारणवश कोई न कोई कमी रह गई है, इसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया है। आगे मैं आपको सेकेंड PDF दिखाऊंगा जो कि सेकेंड राउंड वालों का है, और स्टेटस में आप लोग देख लीजिए डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड, और जिनका टाइम से पैसा नहीं जमा हुआ है उनको भी फेल कर दिया गया है। रिजेक्टेड ड्यू टू डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, इसमें इस वाले स्टेटस में देखिए दाहिने तरफ रिजेक्टेड ड्यू टू डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, यानी इनका इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है, इनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी पाई गई है। आपको अराउंड वाले जो कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हो गए हैं नॉट सेलेक्टेड लिस्ट उनका भी आया है, उनका मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कुल 1466 लड़के हैं फर्स्ट राउंड में जो कि रिजेक्ट हो गए हैं। अब ये मैं आपको सेकेंड राउंड का फाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ किनका किनका रिजेक्ट हुआ है। तो सबका तो दिखाना मुश्किल है क्योंकि लिस्ट लंबी है तो नहीं दिखा सकते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना NSDCI नंबर कमेंट बॉक्स में डाल करके, उनको मैं चेक करके बता दूंगा। ये सभी सेकेंड राउंड के नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन कैंडिडेटों ने ITI कॉलेज लखनऊ में इंटरव्यू दिया था, टेस्ट दिया था, वे पास भी हो गए थे लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। इनकी संख्या कुल 1252 यानी 1252 है, 1252 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें खैर कारण तो नहीं दिखाया गया है किस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मेरे एक मित्र है जिसका पैसा लेट से जमा हुआ था और बाकी सब डॉक्यूमेंट सही था इसलिए उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया पैसा जमा होने के बाद भी। और आप देख सकते हैं इसमें भी सभी प्रदेशों के कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने टेस्ट दिया था और वो पास हो गए थे। आप देख सकते हैं बाएं तरफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार आदि जगहों से हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों से हैं जिन्होंने अपना टेस्ट दिया था और उनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है PIVA और NSDCI के द्वारा,
जांच करने के उपरांत तो उन्हें फेल कर दिया गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उनके लिए सेकेंड राउंड वालों के लिए अलग से नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट का PDF उन लोगों ने जारी किया है। इसमें जितने भी भाई आ रहे हैं तो अपना नाम चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अपना NSDCI नंबर दे करके हम सबका जवाब दे देंगे। इस तरीके से स्लाइड करके अगर मैं PDF में नाम दिखाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो जिसको भी चेक करना है कमेंट कर सकते हैं, उन्हें मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। ये आप लोग लास्ट में देख सकते हैं, कुल 1252 कैंडिडेट हैं और ये जो लास्ट वाले कैंडिडेट हैं ये आंध्र प्रदेश वेस्ट गोदावरी से हैं। इनका नाम राजेश चिलाकलपुरी और इनके फादर्स नेम है भूषणम चिलाकलपुरी। मुझे नहीं पता है ये जानकारी आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है या फिर अच्छी नहीं लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट, जो कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का होगा। धन्यवाद।